ठीक हो गया? जी सर। देखो इनका साउंड सुनो तुसी, सस्ता किन्ने ने है। ये टमाटो केचप है, इसके साथ ये देखें, आए हाय हाय, ये आपके लिए, ये लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। टेंशन ना लिया करें, अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। जो लोग कारोबार शुरू कर चुके हैं उनको मेरी तरफ से मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता करे कि आप अपने कारोबार में कामयाबी अता फरमाए। प्याज के पकौड़े किस तरीके से तैयार होते हैं, शॉर्ट रेसिपी, जदीद रेसिपी, फ़ौरन से पहले बनने वाली रेसिपी, आइए देखते हैं किस तरीके से बनते हैं। ये एक पो मैंने प्याज ले लिया, इसको उठा लिया, पहले टिप देने लगा हूँ, इसको इस तरीके से दो टुकड़े करें, इसको इस तरह काटना है, इस तरह नहीं काटना है, ये देखें इस तरीके से, ये इस तरह, मैं ये एक पाव प्याज इस तरीके से काट लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये ना जी, ये प्याज को काट लिया, इसको अच्छे तरीके से मसल लें इस तरीके से। इसका मसलने का मकसद ये है कि हमें अलग अलग इस तरीके के रेशे बना लेने हैं प्याज के, ठीक है। ये देखें इस तरीके से अच्छे तरीके से मसल लें, ये मैं मसल लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल कर दें, साबित धनिया खुश्क 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून शामिल कर दें, ज़ीरा 1 टेबल स्पून शामिल कर दें, हल्दी 1 टीस्पून शामिल कर दें, सुरख मिर्च 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें, या अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक हो गया। ये जी मीठा सोडा 1/2 टीस्पून, ये इतना सा ये शामिल कर दें। अभी मैंने नमक शामिल नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी प्याज में भी पानी होता है, प्याज ने भी अपना पानी छोड़ना है, अगर मैं नमक पहले दब देंगा तो वो ज़्यादा लिक्विड की तरफ चला जाएगा। हमने अपने हिसाब से किस तरह सेट करना है मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। जिस तरीके से मैंने पहले आपको पकौड़ों की 2 रेसिपियाँ दी, आप लोगों ने पसंद की, मिलियंस में उसके व्यू चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से आपको टिप्स देने वाला हूं। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दें। ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि हम जब फ्राई करेंगे इसको, तलाई करेंगे घी में, तो हमारा घी कम लगेगा, अब ये बात आप समझा करें। इसके बाद अब हमने शामिल करना है इसके अंदर ये सब्ज धनिया, इसके अंदर कुछ ज़्यादा जाएगा, क्या ही बात है, क्या इस तरीके से डाल दें। अब ये हमारे पास आ गया, अभी तक हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, ये बात आपके जहन में रहे। बेसन, ये देखें बेसन कितना डलेगा, ये एक पाव का आपको बता रहा हूँ फार्मूला। ये मैदा है 2 चम्मच इसके डाले, मैं वज़न में भी बताता हूँ, 1 चम्मच हमने मैदे का डाला, ठीक हो गया। अब इसको मिक्स करने लगे आपस में इस तरीके से, क्या ही बात है, प्याज ने पानी छोड़ दिया, बात समझ आ रही है आपको, और ये इस तरीके से इसको मिक्स करते रहें। प्याज वाला पानी है, अभी तक हमने पानी नहीं डाला इसमें, ये देखें इस तरीके से इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से, ये देखें, ये देखें, अभी ये बैंड नहीं हुआ आपस में, जुड़ा नहीं है, जब ये जुड़ेगा हम थोड़ा सा इसके अंदर बेसन जो है ना और डालेंगे, ये देखें 1 चम्मच इसके साथ का और डाल दिया, 1/2 चम्मच मैदा डाल दिया। आपने रेशो यही रखनी है, जितना बेसन उससे 1/2 मैदा, इसको आप उसमें इस तरीके से मिक्स कर लें, ये देखें। इस टाइम पे आके फूड कलर, येलो फूड कलर, ये 1 चुटकी जितना ये डाल दें, और इस टाइम पे आके आप हमने नमक शामिल करना है इसमें, पहले नहीं करना, 1/2 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। अब इसको मिक्स कर लें, क्योंकि इसमें अब और चीज़ें डल चुकी हैं, अब नमक पानी नहीं छोड़ेगा, ठीक हो गया। पानी ले लें थोड़ा सा हल्का हल्का इस तरीके से, क्या ही बात है, क्या ही कलर निकल के आने लग गया है, ये देखें इसको, अब ये देखें, ये देखें जुड़ना शुरू हो गया, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये देखें ये जुड़ना शुरू हो गया इस तरह का। अगर अब देखा जाए तो इसमें 150 ग्राम बेसन शामिल हुआ है एक पाव में, और 80 ग्राम मैदा शामिल हुआ है, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा पानी और डालें, पानी बहुत कम इस्तेमाल करना है आपने। अब ये अगर आप देखा जाए तो ये जो है ना 20 ml पानी शामिल हुआ होगा इसमें, बस सब में, इसको ज़्यादा पानी नहीं डालना, तलाई के टाइम हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे अगर ज़रूरत पेश आई तो। ये लें जी, ये इस तरीके का बना दिया, हार्ड हार्ड सा होना चाहिए, इस तरीके का हमने तैयार कर लिया। इसको साइड करने लगा हूँ, फ्राई की तरफ आते हैं। चलें जी, मैंने घी ऊपर चढ़ा दिया, आपका फ्लेम मैंने इसको फुल गर्म कर लिया, अब जब मैं इसको फ्राई करूंगा बहुत ज़्यादा कम फ्लेम में अगर फ्राई करेंगे तो क्यों बेच बढ़ जाएगा इधे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हाई पे आप इसको फ्राई करेंगे तो ये
अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से खस्ता हो जाएंगे। इसके फ्लेम को सेटिंग करनी है आपने मुकम्मल तौर पे। जब मेरा घी गरम है, मैंने इसको हीट दी और फ्लेम को तेज करके गरम कर लिया, जब मैं इसके अंदर पकौड़े डालूंगा ये अपना टेम्परेचर गिराएगा। मैं उस टाइम पे चेक करूंगा इसको भी, ये पकौड़े तलने के लिए ठीक है या नहीं है। मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। थोड़ा सा पानी इस तरह हाथ लगाएं पानी में और इसको देखें, इसको यहाँ बैटर पे हल्का सा पानी डालें। ये देखें, बहुत ज़्यादा सख्त पकौड़े नहीं दाब देने के वजह से, थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा नरम करना है। ये देखें, इस तरह उठाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या ही बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें, इस तरह डालें। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है इस तरीके से, और इसको कढ़ाई में डाल लेंगे। फौरन बाद नहीं छेड़ना चम्मच से, किसी चीज़ से कोई चीज़ नहीं लगानी आपने, ये बात आपके जहन में रहे। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने नहीं छेड़ना, उसके बाद इस थोड़े से ये अपनी जान में आएंगे, फिर हम इसको चम्मच वगैरह या जो पौनी छोनी जेड़ा कुछ भी तुसी कहते वो लगाएंगे। असल में आप लोगों को असल बातें कहानियाँ बताई ही नहीं जाती, ठीक है। ये देखें, दो मिनट के बाद ये कंडीशन इसकी आ गई। ये देखें, ये तकरीबन 6 से 7 मिनट फ्राई होंगे। ये 2 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर ये चम्मच वगैरह फेरा, इनको चेंज किया इस तरीके से। अब ये तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, 4 से 5 मिनट ये और फ्राई होंगे इस फ्लेम पे, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। ये 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इस कंडीशन में आ गए, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह, देखो इनका साउंड सुनो तुसी, खस्ता किन्ने ने है और कलरफुल देखें किस तरीके से बन रहे हैं। ये बात को समझा करें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब ये जो बकाया बचते हैं ये भी डालने लगे हैं। ये मैं फ्राई कर लूँ सब, उसके बाद आपको इनका खस्तापन दिखाता हूँ और रेट की तरफ आते हैं। ये लगेगा, ये मैंने कंप्लीट इसको फ्राई कर दिया, इसका आप खस्तापन दिखाऊँ। गरम है ये देखिएगा, ये देखें, ये इसका खस्तापन है, बिल्कुल आवाज़ साउंड आना चाहिए, देखें इस तरीके से हैं। और अगर हम इनके रेट की बात करें, ये टमाटो कैचअप है इसके साथ, ये देखें, आए हाय हाय हाय, ये आपके लिए, ये लें, ये वाला भी आपके लिए, ये लें, सुभान अल्लाह, ये लें आपके लिए, खा लो आके बाबे को लो। मुकम्मल गाइड कर दिया मेरे इलाके के हिसाब से, ये 90 रुपये, 80 से 90 रुपये पाव मिलते हैं, ठीक हो गया। रेट भी बता दिया भाई, कारोबार कितना करो, इधर उधर वेख दो, टाइम ज़ाया कर दो, कारोबार कितना करो, मेरे वाल वेखो, मेरी गल्लां सुनो, मैं आपको मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, देर पर सलामत रखे, कारोबार किया करें। मैं जो चीज़ समझ नहीं आती मैं समझाने के लिए तैयार हूँ आपको। अगर आपको हमारे ये प्याज वाले पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुँचे। अगर फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।